हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11th ऑफ जुलाई। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू टेलीग्राम ग्रुप, इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। डेली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। अभी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ₹43 करोड़ स्ट्रैटेजिक ब्रिज इन विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO द्वारा ये 6 ब्रिज बनाया गया जिसका उद्घाटन हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा किया गया। आपको ये बताना है कि ये कौन से यूटी या स्टेट में। करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब याद रखेंगे वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया एंड दीज आर द डिटेल्स। तरना ब्रिज फर्स्ट, तरना सेकेंड, पलवान गोदेवाला, देन उसके बाद पहाड़ी वाला एंड पिनियाली। ओके, ये सारे ब्रिज हमारे इन जम्मू डिवीज़न है। फर्स्ट एंड सेकेंड तरना फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिज है हमारा इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ ऑफ जम्मू डिवीज़न एंड बाकी 4 ब्रिज हैं हमारे इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट नियर अखनूर पलांवाला रोड। ओके, विद लेंथ आपको डिटेल दी गई। वेल आपको सारी लेंथ आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अब याद रखिएगा। एंड इसका उद्घाटन अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया। BRO द्वारा बनाया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, इनका नाम याद रखो, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। रिसेंटली आपको यूनियन मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भी 2 ब्रिज का उद्घाटन किया था, वो भी BRO द्वारा बनाए गए थे इन जम्मू एंड कश्मीर, लाइक पुनेजा ब्रिज इन डिस्ट्रिक्ट डोडा एंड देन सेकेंड ब्रिज था हमारा देविका ब्रिज इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो वो आप याद रखेंगे। एंड नाउ ये भी ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए विद इफेक्ट फ्रॉम 31st अक्टूबर 2019 यूटी बना है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फर्स्ट है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड इज, विच स्टेट फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19। तो कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया जी। डॉक्टर सुरेश अमोनकर, इनका निधन हो गया। तो ये कौन सी स्टेट के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे? गोवा इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा। एंड अगर प्रेजेंटली बात की जाए हेल्थ मिनिस्टर कौन है गोवा के, विश्वजीत राणे, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ही वॉज 2 term MLA। ये डॉक्टर सुरेश जी की बात हो रही है। इलेक्टेड इन गोवा असेंबली इन 1999 एंड 2002 इन द कैबिनेट ऑफ मनोहर पारिकर इन द ईयर 2000 ये हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने सर्व किया था। एंड नाउ ड्यू टू COVID-19 इनका निधन हो गया, याद रखेंगे। गोवा की बात आई है तो गोवा के CM प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर इज सत्यपाल मलिक जी। ओके, भगवान महावीर नेशनल पार्क हमारा गोवा में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग 10 Asia-Pacific कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का ये रिपोर्ट है ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस ऑन इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टूवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। यानी कि हम कैंसर से लड़ने के लिए ऑलरेडी कितना प्रिपेयर है अमंग 10 Asia-Pacific कंट्रीज़ में, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें 8वें नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड रॉबिन ब्यू इज़ द MD ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसके हेडक्वार्टर्स लंडन UK में। ओके, आई होप आपको वर्ल्ड कैंसर डे याद है, बिल्कुल 4th of February, तो वो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 8वां नंबर है हमारा। वर्ल्ड नंबर 1 स्कैश प्लेयर रनीम वेलेली अनाउंस हर रिटायरमेंट, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो करेक्ट आंसर इज इजिप्ट, शी इज़ फ्रॉम इजिप्ट। विद दिस जोस्ना चिनापा हमारी इंडिया की, फिश इज़ फ्रॉम चेन्नई एंड ये top 10 में आ गई हैं। ठीक है, इनके जाने से हमारी जोस्ना जी को बेनिफिट हो गया। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड top 10 में आ गई हैं, शी इज़ फ्रॉम चेन्नई एंड लाइक अब टॉप पे तो ये रिटायर हो गई। नाउ नूरून गोहर, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इजिप्ट, जो अब नंबर 1 पे आ गई। ओके, इजिप्ट की ही प्लेयर थी जो नंबर 1 पे थी एंड अगेन जो सेकेंड नंबर वाली फर्स्ट बन गई है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इजिप्ट, नूरून गोहर, उनका नाम भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। ओके, सो इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इनका नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च डिजिटल हाथ फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ सैक्रीफिशियल एनिमल। सैक्रीफिशियल एनिमल्स आप लाइक जैसे कोई ईद आ गई या कोई और फेस्टिवल है,
जहाँ पे लाइक बलि चढ़ाई जाती है एनिमल्स की, सो उसी चीज़ को परचेज करने लिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है ताकि पब्लिक गैदरिंग ना हो, सो इस वजह से डिजिटल हाथ लॉन्च किया, इसमें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. ओके, सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय बांग्लादेश. बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर. एंड बांग्लादेश के बारे में बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेजिडेंट इज़ अब्दुल हामिद, करेंसी इज़ टाका एंड कैपिटल इज़ ढाका. तो ये आपने याद रखना है. वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्न हॉस्पिटल, सबसे बड़ा बर्न हॉस्पिटल भी बांग्लादेश में ही है, ये आपने याद रखना है. ओके, एंड बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेजिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की 100th बर्थ एनिवर्सरी पे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइक वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो आप याद रख लीजिएगा. जॉय बांग्ला भी अपना नेशनल स्लोगन भी डिक्लेयर किया बांग्लादेश ने. गूगल हैज़ ऑफिशियली री लॉन्च इट्स फॉर्मर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस एस विद अ न्यू नेम. सो इसका नया नेम क्या है जिसे गूगल ने री लॉन्च किया? करेक्ट आंसर इज गूगल करंट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आप सबके लिए. लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू जून 2020, 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर इन जस्ट 69 रुपीज़. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर इसको परचेज करके एंड इसका बेनिफिट उठाएं. एंड अगेन टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू ज्वाइन कर लीजिएगा. नॉट ओनली ज्वाइन, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ज्वाइन तो काफ़ी कर रहे हैं बट अटैम्प्ट नहीं कर रहे. आपको अटैम्प्ट करना है, देखना नहीं है उसको, अटैम्प्ट करना है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न समथिंग. नेक्स्ट हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स? ओके, सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट. उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इसके लिए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर लैंड यूज़ आर्टिफिशियल सिस्टम BLUIS को लॉन्च किया, जो आर्टिफिशियली मॉनिटर करेगा अबाउट द गवर्नमेंट लैंड्स इन उड़ीसा. ओके, ISO सर्टिफिकेशन जो अभी हॉस्टल्स को दिया गया था उड़ीसा में ही, वो भी आप याद रख लीजिएगा. बाकी नवीन पटनायक सीएम एंड गणेशी लाल इज़ द गवर्नर ऑफ उड़ीसा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन मार्केट बोरिंग्स अमंग द स्टेट्स एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2021? सो दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय तमिलनाडु विद 30,500 करोड़, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 25,500 करोड़ मार्केट बोरिंग इन द फिजिकल ईयर 2021 एज पर द रिपोर्ट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो तमिलनाडु जरूर याद रखिएगा. ओके, एंड आपको अभी तमिलनाडु से फिश प्रोडक्शन में भी तमिलनाडु ही आगे आया था अभी, तो वो आप याद रख लीजिएगा. ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअली, से लॉन्च किया गया. द 3 डेज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन UK विद द थीम बी रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड. तो इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया वर्चुअली, ये आप याद रखिए. इंडिया ग्लोबल वीक थीम भी याद रखिए. ओके, हु इज़ द CMD ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया. हेडक्वार्टर्स इस बैंक के मुंबई में हैं. टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद. सो इनका नाम है जी राज किरण सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट. लेजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डैनियल्स पास्ड अवे, सो इनका निधन हो गया. इनका नाम आप याद रख लीजिए, इज रिलेटेड टू म्यूजिक. चार्ली डैनियल्स पास्ड अवे. नाउ डेट्स ऑल. नाउ अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन रहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैव एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ 2023 टारगेट अनाउंस्ड बाय WHO? दो कंट्रीज ने एलिमिनेट कर लिया इन दोनों डिजीज को, तो आपको बताने कौन सी कंट्रीज हैं ये बताओ. देन आफ्टर दिस, ये आज आपके लिए 6 क्वेश्चन हैं, ये आपने बताने. फर्स्ट क्वेश्चन इज युक्ति पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? यू हैव टू आंसर. काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए आई होप. विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च फूड बैंक? दिस बेसिकली दिस इज बैंक. ओके, लेट मी करेक्ट, दिस इज फूड बैंक. ओके, फूड बैंक कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था? टू प्रोवाइड फ्री फूड टू द पुअर्स. ठीक है, दिस इज नॉट फ्री फूड बुक, दिस इज फूड बैंक. ओके, एंड उसके बाद अशोक देसाई रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज लाइक, वो कौन थे ये बताओ आप. ओके, दाचीगाम नेशनल पार्क कौन सी UT या फिर स्टेट में है ये बताना है. विच स्टेट ऑब्लिक UT हैज बिकम द फर्स्ट टू मेक लॉ ऑन सेक्सटॉर्शन? लाइक सेक्सटॉर्शन लाइक कोई भी किसी से, किसी वुमेन से सेक्सुअल फेवर मांगना किसी भी काम के लिए, तो दिस इज सेक्सटॉर्शन एंड इस पर प्रॉपरली एक लॉ बनाया. आपको बताना है कि कौन सी लाइक स्टेट या UT द्वारा से बनाया गया था. एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क कौन सी जगह, ये आपने बताना है.
So that's all now. You can cross check your answers. So these are the answers. And Ministry of HRD, जो हमारे रमेश पोखरियाल निशांक जिनकी constituency है हरिद्वार उत्तराखंड मणिपुर इज द करेक्ट आंसर. फूड बैंक लॉन्च किया फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अशोक देसाई एंड अभी आपको याद होगा हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल उनको एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया वो अपने याद रखना है. एंड सेक्स टॉर्शन पे लॉ बनाने वाला हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड दाचीगाम नेशनल पार्क फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग इज ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क इज इन गोवा. तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने. ओके सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए. अपना प्यार बनाए रखें एंड इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपको करंट अफेयर सेक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आए. बट फॉर डैट आपको भी कुछ कंडीशंस हैं आपके लिए. आपने टेलीग्राम जरूर आपने अटैम्प्ट करने क्वेश्चंस मैं डेली आपको बोलता हूँ एंड टेलीग्राम पे डेली आपने करने एंड उसके बाद टेस्ट जो भी होता है आपका वो आपने करना है. जो भी क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज के एक्स्ट्रा मिलते हैं वो आपने नोट डाउन करते रहना. कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन करंट अफेयर सेक्शन. ओके बट द कंडीशन इज की यू हैव टू फॉलो बोथ डेली करंट अफेयर प्लस डेली टेलीग्राम चैनल. थैंक यू बेस्ट ऑफ लक टेक केयर. मिलते हैं फिर कल के वीडियो में. काफ़ी ज़्यादा तूफान चल रहा है. So let's see. Thank you.